पर आया हूँ, काइट बीच पर। दुबई का एक सबसे मशहूर बीच है। वैसे भी आज मैंने सोचा था कि आज एक रेस्ट डे करूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ और बेटी म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में गई हैं, तो उसमें मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं जो है रेस्ट डे करूँगा, मैं थोड़ा बीच पे जाऊँगा, थोड़ा समुंदर के पानी में तैरूँगा और ज़रा थोड़ा सन लूँगा। विटामिन डी की कमी तो जर्नी में बहुत रहती है, इसलिए मैंने सोचा आज मैं बीच की तरफ चलता हूँ। तो मैं आप लोग सबको अब दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत ये बीच का नज़ारा कराता हूँ सबको, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आज लहरें भी इतनी ज़्यादा हैं। लास्ट वीक में आया था तो लास्ट वीक में इतनी लहरें नहीं थी, क्योंकि वेदर भी चेंज हो रहा है UAE में अभी। तो लेकिन जितनी ज़्यादा लहरें हैं उतनी उतना ज़्यादा पानी का मज़ा आता है। देखते हैं, ये दुबई का मज़ा है। दुबई में बीच फेस करें, आप शॉपिंग क्रूज करें, जो भी करेंगे आप, तो दुबई में आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है। चलते हैं होटल, पहले ढूंढते हैं कोई टैक्सी, और जैसे कोई टैक्सी मिल गई तो होटल की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहाँ पर है, और फिर देखते हैं आज शाम का प्रोग्राम आपको दिखाएंगे ज़रूर। अब होटल से निकल के तैयार होके तो अपनी वाइफ और अपनी बेटी की तरफ निकलने लगा हूँ, तो आप सबको अभी पता चलेगा कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं बताता हूँ अभी, तो देखते रहिए, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी मॉल है, वंडरफुल। लगती नहीं है कि ये मॉल है, लेकिन सच में ये मॉल ही है। जाते हैं हम, ढूंढते हैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी को, और फिर देखते हैं आगे कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं। आप और फाइनली मुझे मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी मिल गई। ये है मेरी वाइफ, इनसे मिले। ये है आयशा, और अब हम लोग मर्काटो मॉल में मिलके घूमेंगे, उसके बाद कुछ खाने के लिए भी कुछ ढूंढेंगे। छोटी सी चीज़ पसंद की थी, तो मैं ज्वेलरी शॉप से यहाँ पे डिज्नी के छोटे छोटे ईयर रिंग्स लगे हैं, और यहाँ पे भी किड्स के छोटे ईयर रिंग्स और नेकलेस लगे हैं। तो हमने एक ज्वेलरी उसके लिए पसंद की है एज ए गिफ्ट फ्रॉम
मामा एंड पापा। इस फॉर यू, ये मामा और पापा की तरफ से। नहीं नहीं, इसको चाटो मत बेटा, इसको पकड़ लो। अच्छा चलो। सो गाइस, फाइनली अब हम अलसतवा में एक रेस्टोरेंट मिला है, क्योंकि अलसतवा में मैंने वैसे भी जाना था। अलसतवा में वन ऑफ द फेमस कुनाफा दुबई का मिलता है, और मैं कुनाफा का बहुत शौकीन हूँ। और हमने ये सोचा था कि फिर सतवा जा रहे जो हैं तो सतवा में ही रोटी खाएंगे। तो सतवा में हमने बाई चांस अभी एक रेस्टोरेंट देखा जिसका नाम है स्टार बोलगा। इसमें चाइनीज़, इंडियन, अरबिक, हर तरह का खाना आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमने अभी कुछ ऑर्डर किया है, तो देखते हैं। कुछ ज़रा मिक्स किया है जिसमें हमने एक मटन बिरयानी विद चाइनीज़ फूड ज़रा मिक्स करके हम लोग खाएँगे। ज़रा इंटरनेशनल डिश एक खुद क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए, आगे इंशाल्लाह कुनाफा भी दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, आज क्यों नहीं। हाँ जी, अब हम खाना खा के निकल चुके हैं। खाना माशाल्लाह बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। और अब हम कुनाफा ढूंढ रहे हैं, वो जो मैंने आपको बताई थी फिराज स्वीट्स जो शॉप है, और अब हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यहीं पे कहीं थी। तो कुनाफा खा के उसके बाद घर जाएंगे, तो रेस्ट करेंगे और सुबह फिर इंशाल्लाह आपको नई वीडियो सिखाऊंगा। लेकिन जाने से पहले आपको ज़रूर कुनाफा यहाँ का दिखाऊंगा। आयशा, खाना कैसा था? बहुत अच्छा। अच्छा लगा जी। पेट भर गया जी। अब कहाँ जा रहे हैं? कुनाफा, अरबी कुनाफा। फाइनली हम होटल में वापस आ गए हैं, अब रूम की तरफ जा रहे हैं। और कुनाफा के बारे में मैं रियली डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि कुनाफा वो नहीं था जो मैंने सोचा था। कुनाफे का जायका वो वाकई नहीं था, मतलब इससे बेहतर मैंने लास्ट टाइम अब्दुल वहाब में खाया है जो दुबई मॉल के सामने है। तो इसीलिए हर बंदी की अपनी चॉइस है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे और सुबह आपको अपनी नई ब्लॉग दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कल जा रहे हैं हम। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और फिर इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।